हेलो एवरीवन, जब भी हम अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस करेंगे और उससे हमारी लाइफ एकदम से बदल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और हम फिर दोबारा उसी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर भी बदल सकते हैं। ये स्टेप्स इतने छोटे भी हो सकते हैं कि आपको इनसिग्निफिकेंट लगें। इन स्टेप्स को करने के बाद आपको ये भी लग सकता है कि क्या इनको करके आपकी ज़िंदगी एक्चुअल में बदल भी सकती है या नहीं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एंशियंट जैपनीज टेक्निक की जिसका नाम है काइजन। काइजन दो शब्दों से बना है, काय एंड जेन। काय का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है बेटर। काइजन का मतलब होता है चेंजिंग फॉर बेटर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, जापान की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। फिर जापान ने काइजन प्रिंसिपल का यूज करके अपनी इकोनॉमी को दोबारा खड़ा किया। काइजन का यूज करके ही जापान एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना और बाद में जाके दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज बना। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज लाइक टोयोटा, नेस्ले, कैनन काइजन का इस्तेमाल कर चुकी हैं और अपनी ग्रोथ को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर चुकी हैं। काइजन का प्रिंसिपल कहता है कि हम अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बाई मेकिंग स्मॉल ऑनगोइंग चेंजेस। काइजन का यूज करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन काइजन का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट मिलता है अपनी लाइफ में या जैसे ही हमें थोड़ा सा भी चेंज करना होता है, उस थोड़े से चेंज को देख के हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एक फियर पैदा हो जाता है जैसे ही हम चेंज को देखते हैं, और जैसे ही हम अपने आप को बड़े चेंजेस लेने के लिए बोलते हैं हमारे दिमाग में डर पैदा हो जाता है। काइजन हमें बताता है कि अगर हमें अपने बड़े गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए हमें उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा और पहले उन स्मॉल गोल्स को अचीव करना होगा। काइजन के अंदर हमें अपनी जर्नी के बारे में चिंता नहीं करनी होगी, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर नेक्स्ट स्टेप्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है महीने में ज़्यादा पैसे बचाना, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग जाएं, जस्ट रिमूव वन आइटम फ्रॉम योर कार्ट, ओनली वन आइटम। आपको सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे जिनको लेकर आप अपने गोल की तरफ और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। टोयोटा कंपनी ने काइजन का यूज़ किया और अपनी कंपनी की पूरी दिशा ही बदल के रख दी। टोयोटा के एम्प्लॉयज़ को एक बहुत ही सिंपल चीज़ करने के लिए बोली गई। उनसे पूछा गया कि ऐसी क्या छोटी सी चीज़ है जिसको करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, वो चीज़ कितनी से कितनी भी छोटी हो सकती है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ने अपने डिफरेंट सजेशन दिए और उन्हीं छोटे छोटे सजेशंस को टोयोटा ने अपनी कंपनी में अप्लाई किया और अपनी सेल्स को काफ़ी टाइम बढ़ा दिया। टोयोटा जो एक बार लॉसेस में थी, वो बाद में जाके दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनीज बनी। दोस्तों, काइजन एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जो कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। बीट हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, आप किसी भी एरिया में इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। चलिए काइजन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लेडी थी जूली जो कि ओवरवेट थी। वो दिन में दो जॉब्स करती थी अपने बच्चों को पालने के लिए। वो काफ़ी स्ट्रेस रहती थी और उसके पास वर्कआउट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जूली काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई और सब ने उसको वर्कआउट करने का सजेशन दिया। डॉक्टर्स ने बोला कि अगर जूली ने वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया तो उनको फ्यूचर में जाके काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट बहुत ट्राई करने के बाद भी जूली इतनी विल पावर नहीं कलेक्ट कर पाई जिससे वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। जूली फिर एक और डॉक्टर के पास गई जिसने उसे काइजन मेथड को यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया। डॉक्टर ने जूली को सजेस्ट किया कि जिम जाके घंटों वर्कआउट करने के बजाय जब भी वो अपने घर में टीवी देख रही हो उसको सिर्फ एक मिनट के लिए वॉक करना होगा। जूली ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हुई और ये टास्क उसको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगा। फॉर द नेक्स्ट वन मंथ जब भी जूली अपने घर में टीवी देखती, हमेशा उसके सामने खड़ी होकर एक मिनट वॉक करती। एक महीने बाद डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ वन मिनट्स अब उसको दो मिनट के लिए वॉक करना होगा। जूली ने फिर
दो मिनट के लिए वॉक करना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे करके जूली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट के लिए कम होती चली गई। उसने बाकी घर के काम भी करना स्टार्ट किया और बाद में जाके जिम भी ज्वाइन किया और बहुत हेल्दी बन गई, जो कि पहले उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन जब काइजन इतना आसान है, फिर भी लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? लोग काइजन को अप्लाई करने में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि बहुत हार्ड है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके वो अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में काइजन को अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने आप से स्मॉल काइजन क्वेश्चंस पूछिए। फॉर एग्जांपल, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो वो क्या छोटी से छोटी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आप 5 डीप ब्रेथ ले सकते हैं या फिर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। काइजन का अल्टीमेट गोल है कि आपको जो भी अचीव करना है उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, और उन छोटे छोटे स्टेप्स को करने के बाद जो विल पावर जनरेट होगी उसकी मदद से आप बड़े बड़े स्टेप्स ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।